नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। बिहार ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाने के मामले में भले अग्रणी हो रहा हो, लेकिन बिजली की बढ़ती कीमत ने लोगों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में क्या आप भी महंगे बिजली दर से हैं परेशान और आप भी महंगे बिजली बिल के भुगतान से पाना चाहते हैं छुटकारा, तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, बिहार में पहले से ही बिजली की दरें महंगी हैं, बावजूद इसके बिजली कंपनियां बिहार में बिजली बिल बढ़ाने की योजना बना रही है। ऐसे में आम जनता क्या करे, उसके लिए भी हमारे पास एक उपाय है। उससे पहले बता दें कि बिहार में साल दर साल बिजली की खपत दर में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 6 साल में बिहार में बिजली खपत का आंकड़ा दुगने से भी अधिक हो गया है। साल 2014-15 की बात करें तो इस समय बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 203 किलोवाट घंटा थी। यह आंकड़ा 2022 में बढ़कर 350 किलोवाट घंटा से अधिक हो गया है। राज्य में फिलहाल 6500 मेगावाट बिजली आपूर्ति की मांग है, जबकि बिहार के बिजली पावर स्टेशन खुद 6000 मेगावाट बिजली आपूर्ति कर रही है। हालांकि राज्य सरकार कोशिश में है कि जल्द से जल्द इसकी आपूर्ति की जाए। बिजली चोरी राज्य की एक बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से बिजली दरों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में बिहार सरकार ने अपने एक बेहतरीन प्लान के साथ राज्य में सौर ऊर्जा को दे रही है, जिससे लोग बिजली बिल की बोझ से बच सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप हजारों के बिजली भुगतान से बचना चाहते हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। आप अपने घर के छत पर सौर ऊर्जा सिस्टम लगा सकते हैं। यही नहीं, यह सिस्टम जनरेट करने के बाद आप सरकार को बिजली बेच भी सकते हैं। दरअसल बात बस इतनी है कि बिहार के दक्षिण और उत्तर बिहार बिजली कंपनी अपने अपने क्षेत्र में 10-10 मेगावाट बिजली का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसकी आपूर्ति सौर ऊर्जा सिस्टम से करनी है। इस संबंध में अधिकारियों का कहना है कि लोग अपने घर की छतों पर लगाए गए सौर ऊर्जा सिस्टम से बिजली उत्पादन करें। जितनी बिजली तैयार होगी वह प्रति यूनिट के हिसाब से उपभोक्ता के खुद के बिजली बिल से घटा दी जाएगी। अगर उपभोक्ता अपनी इस्तेमाल से अधिक यूनिट सौर ऊर्जा सिस्टम से तैयार करते हैं तो उस हिसाब से उतनी राशि उपभोक्ता के खाते में चली जाएगी। ऊर्जा सिस्टम लगाने वाली कंपनी एक तय अवधि तक पूरे सिस्टम का रखरखाव भी करेगी। इसके लिए उपभोक्ता को सौर ऊर्जा सिस्टम के लिए विनियामक आयोग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। नेट मीटरिंग के माध्यम से यह पूरा सिस्टम संचालित होगा। अपनी छत पर सौर ऊर्जा सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ताओं के घर एक मीटर लग जाएगा। उस मीटर में यह दर्ज होता रहेगा कि उनके सिस्टम के माध्यम से कितनी बिजली बनी। आपको बताते चले कि बिजली कंपनी इसके लिए फिर से आवेदन लेगी। नए आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया पुनः आरंभ होगी। यह योजना जल जीवन हरियाली योजना के तहत संचालित की जा रही है। इसके तहत लगभग 2500 सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाया जा चुका है, जहां से 20-20 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। अब इस योजना का उद्देश्य निजी घरों की छतों पर सौर ऊर्जा सिस्टम स्थापित कर 10-10 मेगावाट बिजली उत्पादन का है। अगर आपको भी बिजली बिल का बोझ कम करना है तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इससे जुड़ी और भी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो आपको उपलब्ध करा सके। साथ ही आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।